कई बार ना कस्टमर इस चीज़ के लिए बोलता है दुकान पे आके कि भैया बार बार ना हैंग हो जाता है, मैंने रीसेट भी मार दिया, मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया। असल में क्या हो रहा होता है, कस्टमर कई दोस्तों, अगर मोबाइल फ़ोन के हैंग होने की प्रॉब्लम से आप भी परेशान हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक मोबाइल रिपेयर वाला आज आपको बताएगा कि मोबाइल हैंग होता हो तो आपको किस तरीके से खुद से ठीक करना है। अगर आप इस कंडीशन में किसी दुकान पर पहुँच जाते हो ना तो वो आपसे अच्छे खासा चार्ज इस चीज़ का कर लेता है। देखिए, सबसे पहले सेटिंग के अंदर चले जाइए और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट फ़ोन में। ये वीवो का Y69 है। आपके पास कोई भी मोबाइल हो, MI का हो तो MIUI पर आप टिक कीजिएगा अबाउट फ़ोन में जाने के बाद। और ये वीवो का फ़ोन है तो इसमें ये मैं अबाउट फ़ोन में जाता हूँ, मोर सेटिंग के अंदर जाके अबाउट फ़ोन आता है इसका। सेटिंग सब में इधर उधर होती है बस, बाकी होती सेम है सारे एंड्रॉयड फ़ोनों में, ठीक है। जो चीज़ हर एंड्रॉयड फ़ोन में होती है ना वो सब में होती है, मतलब सिमिलर सब में होती है, मगर इधर उधर होती है बस, बाकी टेंशन मत लेना, आपका भाई है। अबाउट फ़ोन में जाना, उसके बाद देखिए MIUI का जो फ़ोन होगा ना उसमें MIUI आ रहा होगा, उस पर टिक करेंगे 7-8 बार तो आपका डेवलपर ऑप्शन आपको ऑन करना है। सॉफ्टवेयर वर्जन पे टिक करने से आ रहा, देखिए नीचे है ना, अब लिख के आ गया यू आर नाउ डेवलपर मोड, देखो आ गया ना डेवलपर मोड इसका ऑन हो गया। अब बैक जाएंगे, बस एक बार बैक जाना, ज़्यादा नहीं। अब आप सबसे नीचे देखेंगे तो डेवलपर मोड आ जाएगा, ये पहले शो नहीं कर रहा था मगर ये करने के बाद शो कर जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें डेवलपर मोड इसका ऑप्शन ऑन हो चुका है डेवलपर वाला, तो अब इस पर इसके अंदर चले जाइए। अब इसमें सबसे नीचे आ जाइए आप, सबसे नीचे इसमें होगा ये कीप, देखिए डोंट कीप एक्टिविटीज़, ठीक है, आप इसको ऑन कर दो बस। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, देखिए कई बार क्या होता है कि नॉर्मल यूज़र जो होते हैं ना वो ज़्यादा टेक के अंदर घुसते नहीं है, वो मल्टीटास्किंग जब करते हैं, कई ऐप एक साथ चला लेते हैं तो उनको पता नहीं होता, वो बैकग्राउंड में ऑन रह जाते हैं, उनके कारण ही सेट हैंग होता है बस, और कोई वजह नहीं होती सेट हैंग होने की, ठीक है। तो ये आपको ऑन कर देना है, इसको ऑन कर देंगे ना तो जो बैकग्राउंड में ऐप होंगे ना ये अपने आप किल करता चलेगा उसको। आप जैसे ही उस ऐप को बैक करोगे ना, बाहर आओगे तो वो बैकग्राउंड में जब ऑन रहेगी तो ये अपने आप बंद कर देगा उसको, ये उसको किल कर देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका सेट कभी भी हैंग नहीं होगा, सही चलता रहेगा। ये कंपनी की ही सेटिंग है, ठीक है, ये अलग से मैंने कोई ऐप डाउनलोड करके नहीं बताई है आपको। आप किसी भी दुकान पे जाओगे ना, ये छोटा सा काम करने के लिए, अगर जैसे कई बार ना कस्टमर इस चीज़ के लिए बोलता है दुकान पे आके कि भैया बार बार ना हैंग हो जाता है, मैंने रीसेट भी मार दिया, मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया। असल में क्या हो रहा होता है, कस्टमर कई ऐप एक साथ चला के छोड़ देता है, गूगल प्ले स्टोर पर या फिर गूगल पे कई तरह के ऐप खोल के, और भाई साहब कई साइट उसने बैकग्राउंड में ओपन कर रखे, उसे पता नहीं होता और सेट हैंग हो रहा होता, फिर वो समझता है कि लो अभी तो रीसेट मारा थोड़े दिन पहले, फिर ऐसा ही हो गया। तो वो चीज़ आप मेरा ख्याल है समझ गए होंगे कौन कौन सी ऐप खोल के रख देते हैं लोग बाग, ठीक है। और बहुत सारी ऐप जो होते हैं गेम खुले छोड़ देते हैं भाई बहुत सारे, उसकी वजह से हमारा सेट अक्सर हैंग होने लगता है। तो आप अगर इसे ऑन कर दोगे तो ये बैकग्राउंड में जो भी ऐप होंगी आपके उसको ये किल करता रहेगा अपने आप ही, ठीक है। इस पर लिखा भी है, देखिए डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सून एज द यूज़र लीव्स इट, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ मुझे आपको बतानी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये मोबाइल रिपेयर वालों भाई, इतना बड़ा टेक का बिजनेस तो नहीं है मेरा, मगर छोटी सी तो आपके भाई की छोटी सी दुकान है, आपको ये चीज़ें सिखाता रहूँगा। और जब भी सिखाता रहूँगा, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपके सामने मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाया करेगी। ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। और इसको फिर आप बैक आ जाइए बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, ये कंपनी की ही सेटिंग है, कंपनी ने ये चीज़ें दी हुई होती हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हर कोई मोबाइल फ़ोन की कंपनी अपने सेट में दे के रखती है, वो आपको प्ले स्टोर से कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो एक ड्रामा है आजकल जो प्ले स्टोर पर, कभी कभी कोई कोई बंदा एंटीवायरस डाउनलोड कर लेता है कि यार सेट हैंग हो रहा है तो पता नहीं किसी वायरस की वजह से हो रहा होगा, एंटीवायरस, वो एंटीवायरस टिक करता है, वो उल्टे वो वायरस ही होते हैं, वो एंटीवायरस तो होते नहीं, वो वायरस ही होते हैं। कंपनी वाले अपनी फ़ोन की सेफ्टी के लिए सारी चीज़ बनाकर फ़ोन के अंदर रखते हैं, क्या क्या चीज़ रखते हैं वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और लाइक भी कर देना दोस्तों, मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और एक बात और बता देता हूँ, काफ़ी बंदे ये सोचते हैं कि अगर उनका टच टूट जाता है ना, जैसे देखिए मान लीजिए ये टूट गया, अब टूटने के बाद ना वो अपने आप काम करता है टच, ठीक है, वो अपने आप काम करने लगता है, तो बंदे सोचते हैं कि यार ये भी हैंग हो रहा है मेरा फ़ोन हैंग, भाई वो हैंग नहीं हो रहा होता, वो टच चेंज करा लो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है।
तो उसे हैंग नहीं बोलते टूटे हुए टच को, वो कहीं से अगर टच क्रैक हो जाए और वो अपने आप काम करने लगता है तो बंदे सोचते हैं कि भाई हैंग की प्रॉब्लम, भाई हैंग की नहीं होती, वो टच चेंज करा लेना ठीक हो जाएगा। बाकी हैंग उसे बोलते हैं कि मान लीजिए आपने कोई ऐप अभी चलाई और वो काफ़ी देर में जाके रन हुई तो उसे बोलते हैं हैंग होना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।